अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो मैं जुमे का नमाज करने जा रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है और मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, ये जो वाली बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में रहता हूँ, तीसरे फ्लोर में। ओए होए होए, बहुत गर्मी है, बहुत सूरज आज तेज है, बहुत तेज सूरज आज, बहुत ज़्यादा तेज। ये देख सकते हैं लोग, जुम्मे के दिन सारे रोड सारे खाली होते हैं, बस कोई एक दो गाड़ियाँ जाती रहती है। और ये एक क्लॉक टावर, मक्का टावर जा रहा हूँ मैं नमाज पढ़ने। आगे वो मेरे बांग्लादेश के दोस्त जा रहे हैं, आगे चले गए। मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहला मेरा व्लॉग। और मेरी आज मैं लाइफ दिखाऊँगा उसको, जरा हम कैसे सुधर मैं अपनी लाइफ गुजारते हैं, कुछ लेके गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा, मुझे एक साल कम्प्लीट हो गया है सऊदी में, अल्हम्दुलिल्लाह से। ये रास्ते, ये रोड, आते जाते एक साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। ये जुम्मे की बहुत अच्छी बात है, सारा दुकान सारा कुछ बंद होता है, मतलब जुम्मे के दिन कुछ भी नहीं खुला होता जब तक नमाज ख़त्म नहीं होती। नमाज के बाद सब कुछ होता है, सारी नमाजें जुम्मे की नहीं, सारी नमाजों में सारे दुकान सब कुछ बंद। मैं, हम भी अभी नमाज में जा रहे हैं, मैं और आसिफ भाई, दिल तो करे हरम में नमाज पढ़ने जाएँ, लेकिन हरम में देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा दुकान खुल जाएगा, दुकान में फिर तो पैसे कटेंगे, देर होगी तो एक दिन काट देंगे, ये मुश्किल है। तो इसलिए हम हरम में नहीं जा सकते, मस्जिद पास ही मस्जिद में पढ़ते हैं। और आप लोगों को दिखाते हैं, ये है क्लॉक टावर, मक्का टावर, ये है जी मस्जिद में नमाज हम पढ़ेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। देखते हैं जगह मिलती है कि नहीं मिलती, जगह है। ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर चलते हैं, ऊपर नमाज पढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर जगह है कि नहीं है। ऊपर जगह हुई तो ऊपर चढ़ते नहीं तो नीचे पढ़नी पड़ेगी, ये सारे वापस आ रहे हैं, नीचे पढ़नी पड़ेगी, नीचे पढ़ते हैं। تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يبلغهم بيت الله وكعبة الله। الحمد لله अभी नमाज खत्म हो गई है, जा रहे हैं घर में, खाना खाना है, उसके बाद सोना है, और क्या करेंगे। तो नमाज खत्म हो गई, देखो सारे लोग अभी अपने घर जा रहे हैं। ये है सामने जी हरम, और ये हूँ मैं। आप एक बात बताएंगे जो मैंने पहले बात की थी ना, कि ये सारे दुकान बंद क्यों हैं, मैंने बात की थी कि छोटे ब्लॉग में, शॉर्ट में मैंने एक बात की थी कि ये बंद क्यों है सारे दुकान मक्का के पास में। ये इस इलाके का नाम है जरवल। ये 2019 में जब कोविड आया था उस टाइम पे सारा दुकान सारा बंद, हुकूमत ने बंद करवा दिया था कि यहाँ पे अभी सारा ये तोड़ के, यहाँ पे जितने भी ये आप लोगों देख सकते हैं, ये सारे ये फाजी पड़े हैं, ये खाली पड़े हैं, ये सारे यहाँ पे टूटेंगे, यहाँ पे हरम होगा। तो दो तीन चार साल गुजर गए, अभी तक तोड़ा तो नहीं है, लेकिन दुकान सारे ये बंद हो गए, सारे उन्होंने बंद करवा दिए हैं। अभी पता नहीं, अभी तो यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है कि अभी बस 6 महीने में या 2 महीने 5 महीने में ये था टूट जाएगा। जो जहाँ मैं काम करता हूँ वो भी दुकान वो भी टूटेगा, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ये पास ही है मेरे, जिस मैं दुकान में जा रहा हूँ। और ये पानी की बोतल मैंने मस्जिद से उठाई है, ये सऊदी अरब की बहुत अच्छी बात है कि हर मस्जिद में पानी की बोतल मिल जाती है, पानी बहुत पड़ा होता है, जो आता है उठाता है, नमाज पढ़ के उठाता है वो पानी की, ये बात बहुत अच्छी है। और ये था आज का दिन, नमाज से मार पड़ा, ये दिन था आज का पहला व्लॉग था मेरा। स्टार्टिंग कर दूँ और बता दूँ कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँगा, यहाँ पे सऊदी अरब में एक्सप्लोर करूँगा, अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, ये था आज का व्लॉग, बाय बाय।